हैप्पी कार्बी आंगलम डे. बहुत मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने स्पेशल ओकेजन पर मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ. आई मस्ट से इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, लवली पीपल एंड देयर हॉस्पिटैलिटी. इट्स सो अमेजिंग. आई एम सो जस्ट कांट वेट टू परफॉर्म फॉर यू ऑल टुनाइट. और यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है कि हाउ म्यूजिकल पीपल आर, हाउ मच दे लव म्यूजिक. आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक टाइम टू नाइट. मैंने जैसा कि कहा कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ की हवा में एक बड़ी कमाल की बात है. आई मीन हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं बट जब इस तरह की जगह पर आकर हम लोग रुकते हैं और परफॉर्म करने का मौका मिलता है, सो इट्स वेरी स्पेशल. इट्स न्यू एंड काश ऐसा हो कि ऐसे और भी ज़्यादा हम इस तरह की जगहों पर परफॉर्म करें जहाँ पर इतने प्यार से लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं और इतने कनेक्टेड हैं अपने रूट्स से. और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो, और इतने खूबसूरत शॉल्स और मफलर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं. आई एम सो हैप्पी. मैनू इश्क तेरा लै डूबा, हाँ इश्क तेरा लै डूबा. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में. है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा. सबसे अच्छा क्या लगा? अभी तो ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला है मुझे, लेकिन जहाँ मैं ठहरी हूँ, जहाँ गुवाहाटी से यहाँ हम लोग रोड जर्नी करके आए हैं और रास्ता, पूरा रास्ता इतना खूबसूरत था, और जहाँ मैं ठहरी हूँ वो जगह इतनी सुंदर है. सामने इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम एंड इट्स सो ग्रीन अराउंड दिस प्लेस. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली जो बॉम्बे से होते हैं. जितने भी लोग अभी आपसे मुलाकात हो, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मेरी राय, मैं मुझे बस सबको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत प्यार है लोगों में और बहुत बहुत सम्मान मुझे दिया यहाँ पर आके. सो अब मेरा काम है कि उनको मैं अच्छे से एंटरटेन करूँ आज शाम को. सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट. अभी तक नहीं ट्राई किया, नहीं, मौका नहीं मिल पाया. अभी जस्ट हम लोग कल रात को ही आए, सो होपफुली आज मौका मिलेगा तो करेंगे.